अगर आपने नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए दिव्या पंजाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें। डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम की सीबीआई कोर्ट में 25 अगस्त को होने वाली पेशी को लेकर पंजाब के बदलते हालातों के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते जिला फाजिल्का में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च शहर की अमन शांति को बरकरार रखने के लिए निकाला गया है। फिर भी अगर कोई शरारती तत्व शहर की कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे, उन शरारती तत्वों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है और शहर की कानून व्यवस्था को किसी भी हालात में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। असी फाजिलका दे विच ये मैसेज देना चाहते हैं भी जी अमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उन्होंने बिल्कुल भी बिगड़ नहीं दिया जाऊगा। जो शरारती अंसर है उन्होंने एक असं स्ट्रोंग मैसेज देना चाहते हैं भी पुलिस के नाल नाल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुस्तैद हैं। जेकर कोई शरारती अंसर किसी भी तरह की कोई घटना करने की कोशिश करेगा तो उन्होंने सख्ती नाल लिखा जाऊगा। थैंक यू। जो मेन है अपना फाजिलका दे विच एरिया डोमीनेशन फ्लैग मार्च आप कर रहे हैं तो जो फाजिलका दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन कर रखा जाए। दलीप दत्त, दिव्य पंजाब टीवी, फाजिल्का।